सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम कालाष्टमी की व्रत कथा सुनेंगे, जिसके श्रवण मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। कालाष्टमी के दिन इस व्रत कथा को सुनना लाभकारी माना गया है। तो चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में श्रेष्ठता को लेकर विवाद छिड़ गया। बात इतनी बढ़ गई कि इसका समाधान खोजने के लिए सभी देवताओं को बुलाकर बैठक की गई, जिसमें सभी से ये प्रश्न किया गया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस पर सभी देवों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इन विचारों का समर्थन शिव जी और विष्णु जी ने तो किया, परंतु ब्रह्मा जी ने शिव जी को क्रोध में आकर कुछ अपशब्द कह दिए, जिस पर शिव जी को क्रोध आ गया। फिर शिव जी ने उस क्रोध में अपने रूप से भैरव को जन्म दिया। बता दें, भगवान भैरव का वाहन काला कुत्ता है और इनके एक हाथ में छड़ी है। इस अवतार को महाकालेश्वर व दंडाधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। शिव जी के इस स्वरूप को देखकर बैठक में मौजूद देवता भी भयभीत हो गए। भगवान शिव के रुद्र अवतार भगवान भैरव ने क्रोध में ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से एक मुख को काट दिया। यही कारण है कि तब से ब्रह्मा जी के पास सिर्फ 4 मुख ही हैं। ब्रह्मा जी के सिर को काटने के कारण भगवान भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप आ गया। इसके बाद भगवान शिव ने भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति का उपाय बताते हुए उन्हें पृथ्वी लोक पर जाकर प्रायश्चित करने को कहा। इस तरह कई वर्षों तक भगवान भैरव ने शिव जी के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए पश्चाताप किया और कई वर्षों के बाद अंत में काशी में उनकी यह यात्रा पूर्ण हुई। काल भैरव को ब्रह्म हत्या से मुक्ति बाबा विश्वनाथ की नगरी में मिली, जहां पर वे काशी के कोतवाल बनकर हमेशा के लिए वहां के होकर रह गए। इस तरह से ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के कारण इनका नाम दंड पाणी भी पड़ा। तो यह थी कालाष्टमी से जुड़ी संपूर्ण व्रत कथा। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे ही साप्ताहिक और मासिक व्रत त्यौहार से जुड़ी संपूर्ण जानकारी जानने के लिए श्री मंदिर ऐप पर ज़रूर जाएं और ईश्वर की भक्ति मार्ग का भागीदार बनें। नमस्कार।